शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्यंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां येनाक्षर समाम्नायो अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी आई उं रेल रिक ए ओं ऐ औच हयव रट लण यम गण नम झब य गण दश जब गण दश खप चट चट तव कपय श्वस सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। परासन्निकर्ष संहिता। अब इसको लिख लेते हैं। प्रथमा एक वचन, फिर से प्रथमा एक वचन, फिर से प्रथमा एक वचन। सूत्र काफी आसान है, सीधा सीधा है, संज्ञा सूत्र है, तो उसको समझने में कोई खास कठिनाई नहीं आएगी। सीधी वृत्ति की ओर बढ़ते हैं। संहिता संज्ञा कर रहा है, कह रहा है वर्णानाम अतिशयितया सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। सूत्र की वृत्ति बिल्कुल स्पष्ट है। वर्णानाम अतिशयितया सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम अर्थात वर्णों की अतिसंहिता मतलब अत्यंत, सन्निधि मतलब समीपता निकटता, वर्णों की अत्यंत समीपता अथवा अत्यंत निकटता को क्या कहेंगे? संहिता संज्ञा। उसका नाम क्या होगा? संहिता संज्ञा। वर्ण जब अत्यंत निकट हो, अत्यंत समीप हो, तो वो संहिता संज्ञक होते हैं। ये इसको कहना चाह रहे हैं। अति सामीप्य का यहां क्या मतलब निकालेंगे? अति सामीप्यता का मतलब जो है आधी मात्रा का ही है, क्योंकि आधी मात्रा से कम तो कोई मात्रा आके सामने खड़ी होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको संहिता संज्ञा इसकी करते हैं। इसकी जो समझो उसका एप्लीकेशन जो है वो आगे आएगा। एप्लीकेशन कहां, संहिता संज्ञा का उपयोग कहां होगा, क्योंकि अभी तो संज्ञा प्रकरण में हम संज्ञाएं करते जा रहे हैं और ये सारी संज्ञाएं आगे हमें संधि प्रकरण में प्रयोग में आएंगी। उस समय पूछा जाएगा कि संहिता फिर कहां से हुई थी, किस सूत्र से। तो अभी तो समझ लो आधी मात्रा का जो व्यवधान है वहां उससे कम व्यवधान ना हो तो उसको संहिता संज्ञा कहते हैं, उससे कम व्यवधान होता भी नहीं। अच्छा अगला सूत्र है, तो इस सूत्र में और ज्यादा कुछ भी नहीं है एप्लीकेशन, क्योंकि इसके आगे आने वाला है। अगला सूत्र है हलो अनंतराह संयोग, इसको भी लिख लेते। ये सब संज्ञा सूत्र है, इनमें कोई वो नहीं, इसीलिए हम कह रहे थे इनको हम निपटा देते कल ही, लेकिन वो ठीक है आज ऐसा ही होना होगा।
ये सूत्र जो है एक एक साथ है, और सूत्र में हल है, अनंतर कुछ है, संयोग कुछ है। सामान्य वृत्ति भी नहीं देखे और केवल सूत्र पर दृष्टि डाले तो सूत्र भी कुछ ना कुछ कह जाता है। और बाद में तो हमारी यही दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं तो सूत्र याद करते हैं, वृत्ति तो है नहीं अष्टाध्यायी क्रम में। वो तो ये वरदराजाचार्य जी का उपकार है कि उन्होंने एक ऐसा शास्त्र रच दिया जो बहुत प्रचलन में भी आ गया, वृत्ति से और क्लियरिटी बन जाती है। लेकिन मानो क्योंकि इसका उद्देश्य पाणिनी है प्रवेश आए, यानी कि पाणिनी के जो 4000 सूत्र हैं उनमें जाने के लिए ही ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो जब उन 4000 सूत्रों में जाएंगे तो इसमें तो मानो हमने वृत्ति सहित रट लिए, और जब हम वो 4000 सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम अष्टाध्यायी रटेंगे। कुछ विद्यार्थी कर रहे होंगे मेहनत, वो तो रटते भी होंगे, तो अष्टाध्यायी में सूत्र को ही रटते चले जाते हैं। वृत्ति तो है नहीं अष्टाध्यायी क्रम में, वृत्ति तो अन्य शास्त्रों में है, उनमें तो नहीं है। तो सामान्य जो पुरानी हमारी प्राचीन जो पद्धति है उसे अच्छी तरह पकड़ लेना चाहिए कि सूत्र को देखते ही हमारे माइंड में एक मैपिंग शुरू हो जाए कि यह सूत्र लगभग क्या कहना चाहता है। फिर भी स्पष्ट नहीं होता है तो फिर उसकी काशी का वृत्ति देखो, कुछ और देखो, वो देख लो, वो तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन जिस समय आपके सामने कुछ ये बात आ जाए कि पर सन्निकर्ष संहिता, तो एक बार तो पढ़ा हुआ ही है, गुरुजनों ने पढ़ाया ही है, और अष्टाध्याय भी जब रटते हैं तो गुरुजन पढ़ाते तो है ही, तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो है संहिता संज्ञा करना चाह रहा है। इसी तरह हलो अनंतरा संयोग, संयोग जो सूत्र है, इस सूत्र में भी देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ संयोग की बात कर रहा है, अर्थात कोई संयोग संज्ञा कर रहा है। और कोई हल वर्णों की बात हुई है इसीलिए तो हलो आ गया, और अनंतरा तोड़ के इसका मतलब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी निकल आया। अच्छा विभक्ति नहीं लिखी, ये लिख देते हैं, ये प्रथमा बहुवचन है। हलो, वो अच का रूप याद किया था क्या? ध्यान नहीं किया, चलो कुछ नहीं। और अनंतरा है हाँ, एक पद प्रथमा, एक तीन पद है इसमें। तो अनंतर में थोड़ा समास भी बाद में थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, वैसे तो जो सामान्य समास है उससे समझ में आ रहा है। अन लगा है इसमें, चर्चा हुई थी ना इसकी कल, ये ऐसे है, इसी का तो बहुवचन बना है ये रामवत। तो इसको जब हम यहां तोड़ेंगे तो ना अंतर इति अनंतर, ऐसे है ना, अच वर्ण आ गया ना आगे, इसलिए इसमें अन लगा ना, अच में अन लगता है, ऐसा कल बोधन में आया था ना। तो ने तत्पुरुष है ना ये समास, अर्थात अंतर ना हो, मतलब अभी हम वृत्ति में गए नहीं है, अभी हम सूत्र से ही अर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर ना हो। तो किन में अंतर ना हो, भाई हल का ही कुछ जिक्र आ रहा है तो हल की ही बात करेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या हो, बोले संयोग कह देंगे उसको। ये हमने जस्ट आइडिया लगाया, अब वृत्ति पे जाएंगे। इसकी वृत्ति क्या कह रही है, वृत्ति कह रही है अज भी व्यवहिता हल संयोग संज्ञा सीहु। ये अज का मतलब तो आप समझते हैं, अच है, अच का मतलब है, अच का मतलब अच है ना, अच है, और अच के बाद में समझो फिर व्यवहिता मतलब इनको छोड़कर, ये व्यवधान की बात की है उन्होंने। तो सुत हलह संयोग संज्ञा सिहु, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अच के व्यवधान को छोड़कर, अच के व्यवधान से रहित, छोड़कर कह दो रहित कह दो, अच का व्यवधान की बात नहीं हो रही, इसलिए अच के व्यवधान से रहित की बात कर रहे हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे स्वामी? ये कह रहे हैं कि संयोग संज्ञा किसकी होगी,
अचो के व्यवधान से जो रहित हो ऐसे हलो की संयोग संज्ञा होगी। क्या आ रहा है दिमाग में ऐसा सोच के? अचो के व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा हो, सूत्र की वृत्ति का अर्थ है अचो के व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा हो। ये हिंदी भी लिख लिया करो सूत्र की, भले अगर अनुकूल पड़े तो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं पुस्तक खोल के तो मिलती नहीं हमें अपनी कॉपी में। अचोके व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा हो। कोई भी मुझे एक वर्ण बताओ, कोई भी, जो कोई भी एक शब्द बताओ जो आपके मन में आए वही बताओ। नाम ले लो किसी का, नाम ले लो, कृष्ण ले लो, चलो ठीक है कृष्ण नहीं लेते, इसमें फिर एक छोटा एक बड़ा है तो अंतर अच्छे समझ में तब आएगा जब उसमें हल ना हो थोड़ा वैसा हो। जैसे हरी ले लो, ठीक है, तो हरी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा इसमें से? हा निकलेगा, आ निकलेगा, रा निकलेगा और ई निकलेगा। तो इसमें दो अच हैं, दो हल हैं, ये दो अच हैं, ये दो हल हैं, इस तरह निकल गए। तो इसमें संयोग संज्ञा की बात इसलिए नहीं हो सकती कि हल अच, हल अच, ठीक है, हल अच, हल अच, अर्थात अच का व्यवधान पड़ रहा है ना दो हलों के बीच में। अच्छा, यदि ये ना हो तो अच के व्यवधान से रहित हो गया ना ये, है कि नहीं? अब तो बात कुछ आ रही होगी ना क्लियर। अच्छा, मतलब एक ही शब्द में बोला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं, जब भी ये बात बिल्कुल पक्की करने की है, बात संहिता की हो या संयोग की हो, दोनों में ही, भाई दोनों बात कुछ जोड़ की है तो जोड़ तो दो में ही होता है, एक में नहीं होता, तो उसके लिए शब्द तो फिर बन ही जाएगा वो। भाई दो वर्ण होंगे तभी तो संयोग की बात करेंगे, तो दो वर्ण आती शब्द तो खड़ा हो ही जाएगा, है कि नहीं? इस तरह से अब इसका एक शास्त्रीय उदाहरण और ले लेते हैं, दूसरा भी जो पुस्तक इत्यादि में रेफर किया गया है। ये तो मतलब ऐसा बताया कि जिसमें व्यवधान था अचो का, हरी में तो अच का व्यवधान आ रहा है ना, हा में, और फिर इकार का व्यवधान, खैर इकार तो नहीं है बाद में है, हा आ में और रा में तो व्यवधान है ना, हा में और रा में आ का व्यवधान है। इस तरह से जिसमें व्यवधान ना हो उसको ले लेते हैं किसी को भी, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो एक हमने लिख दिया, मैं एकदम से वो सामने आया इसलिए लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, कितने सारे होते हैं। ये क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय में नहीं होता, ये जो ये लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, आप बताएं महाराज, आपसे पूछ रहे हैं, ये जो वर्ण है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? और क, ख, 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 और बस ऐसे ही है कुछ इसमें भी चेंज करना है? और एक है आकार, एक किस में? नहीं नहीं, बस खाली इसको बता दो मुझे। हाँ, इसमें कहाँ क्या लिखो, हलंत कौन सा लिखू, आकार कौन सा? नहीं, कोई एक हलंत कोई एक आकार है, या मतलब कैसे है ये दोनों? ऐसे ही है बिल्कुल, दोनों भी आकार हलंत है, दोनों हलंत है। हाँ। आप क्या कहते हो? पहला हलंत है। अच्छा, पहला हलंत है, दूसरा ये तो ऐसे और लेंगे, अभी और लेंगे, और एक आध एग्जाम्पल और उठाएंगे ऐसा ही कुछ। ये शकारी होगा या शकार होगा? हाँ, मूर्धन्य। ये भी बताइए, ये भी, चलो बढ़िया पॉइंट आ गया, ये भी बताइए, क्योंकि पढ़ते सुनते तो रोज है लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान कभी देते नहीं है, छोटी सी बात, ये भी बताइए कौन सा शकार हो, ये भी एक नया पॉइंट आ गया, ये वाला इस तरह का या इस तरह का, कौन सा शकार लिखूं मैं? ये मुझे तो बीच वाला लग रहा, ये वाला वो तालु वाला है वो, और वो मूर्धन्य है। नहीं, कौन आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, आपके हिसाब से ये ठीक है, और कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सोच लो ये ठीक है कि ये ठीक है, मुझे पता नहीं है दोनों का इसलिए मैं तो बता नहीं सकता, तो आप सोच लेना फिर, साउंड से आप ये सोच लेना। अच्छा, एक और चीज फिर लिख देते हैं तो मजेदार बात आ गई, ये
स्त्री है, इसको कैसे लिख देंगे सकार, ये तो छोड़ दो, चलो ये तो तुम झट से कह दोगे गुरुजी ये तो ऐसे लिखा है, इसको तो बोल दोगे ये इतरा लिखा दो मेरे को, आप बताओ, आप चुप रहो, फिर आपसे पूछेंगे, नंबर एक एक का लगेगा ना। तकार हलंत है, तकार हलंत है, रकार हलंत है, रकार भी हलंत है, दो हलंत है इसमें ना जी। अच्छा फिर इकार, दीर्घ इकार, इकार दीर्घ इकार है, इस प्रकार है जी। आपका क्या मानना है? ठीक है, आपकी बात तो कैच कर ली, मामला है संयोग तो यहां भी हो ही रहा है, व्यवधान कहां आ रहा है भाई, बाद में है व्यवधान, इन दोनों में तो नहीं है, इधर भी संयोग तो हो ही जाएगा ना, इधर भी संयोग तो हो ही जाएगा ना, ये तो तुम्हें देखना है, ये शाह आएगा कि ये आएगा, इस पे मैं नहीं बोलने वाला, ये मैं तो अभी संयोग संज्ञा की बात कर रहा हूं, वो तो आपने नया एक कहानी सुना दी मुझे, इसीलिए सोचना संयोग तो हो गया कि नहीं हो गया, बस इसी को संयोग संज्ञा कहते हैं, आप संयोग का उदाहरण चाहते थे ना, संयोग को उदाहरण चाहते थे ना, अच के व्यवधान से रही तो दो हल ले लो, कोई भी तीन भी हो सकते हैं, दो ले लो उसके संयोग संज्ञा, और बहुत हाँ और भी कई सारे आ जाते हैं संयोग, बीच में अच नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा सा सूत्र का अर्थ है, अच बीच में नहीं अटके, दो हल हो, और दो हल होंगे तो कितना आधी आधी मात्रा के ही होंगे, जाहिर सी बात है, हल में कितनी मात्रा होती है, कितनी होती है हल में, कितनी मात्रा होती है, एक मिनट मैं अभी लिख दूं, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिनों में ऐसा मजा आया। अच्छा जी, ये हो गए हमारे हल वर्ण, कुछ भी समझो हमारे हायावरट से शुरू होते हैं, पांडी जी के क्रम से चलते हैं हम, तो हायावरा आदि आदि, और ये हो गए हमारे अच वर्ण, तो वो कौन से हो गए, अच को ऐसे लिख देते हैं ताकि बेचारा अच की इज्जत बढ़ जाएगी, अच क्योंकि हलंत नहीं रखता ना, इसलिए इसकी थोड़ी इज्जत बढ़ा दी हमने, ये हो गए हमारे इस तरह से, और भी हैं बहुत सारे, अब मुझे ये बता दो इसमें इनमें दोनों में किसकी क्या मात्रा है, अब तो आसान हो गया प्रश्न, अब तो प्रश्न आसान हो चुका है, ये किसकी क्या मात्रा, मतलब इनकी मात्रा बताओ कितनी है और इनकी मात्रा बताओ अच्छो की कितनी है, कह रहे हम ना इसमें इतनी मात्रा हो, मात्रा तो आप सीख के आ गए ना है, वो मात्रा मात्रा वो वाली नहीं है कि आधी किलो एक किलो वाली, वो मात्रा अलग है, यहां इसकी वर्ण की जो मात्रा है वो कितनी है, इन वर्णों की मात्रा कितनी है, इन वर्णों की कितनी मात्रा है, माना हमने इसमें से एक हा लिख दिया इस प्रकार जी, इसकी कितनी मात्रा है, अब इसकी बताओ, कोई ये कहने लगे प्रश्न आ जाएगा टीजीटी पीजीटी में, हकार की हा वर्ण की, ऐसे बोल देगा, हकार भी नहीं बोलेगा, हा वर्ण की मात्रा बताओ जो आपको लिख के दिखाया गया है, इस हा वर्ण की नीचे दिए गए हा वर्ण की मात्रा बताएं, चार उत्तर लिख देंगे उसमें, अब उसमें बताओ कितनी मात्रा होंगी इसकी, इसमें तो कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा है ही नहीं इसमें, तो देखो ना तो इसमें ई की मात्रा लगी हुई ऐसे, ना बेचारी ऊ की मात्रा लगी हुई, ना चा पे आ की मात्रा लगी, इसलिए इसमें तो कोई मात्रा नहीं है, सिद्ध हो गई बात है कि नहीं, सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई, बताओ नहीं। और एक 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 हम वो भी लिखवा देते हैं, आपको लिखवाया था पहले भी लेकिन फिर से लिखवा देते हैं, अगर लिखा नहीं होगा तो मैं उच्चारित कर रहा हूं, लिखा होगा तो ठीक है और अगर नहीं लिखा होगा तो लिखवा देंगे, मेरे ख्याल से हमने मात्रा का जब जिक्र किया था तभी लिखवा दिया था, एक मात्रो भवे दृश्यो द्विमात्री, इसमें हिंट है, इसमें हिंट है, आपके प्रश्न का उत्तर है इसमें, एक मात्रो भवे दृश्यो द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्र सुप्लुत जेयो व्यंजनस अर्धमात्रिकम, कह दिया हमने इसमें, तो ये कह दिया, अब फिर से उच्चारित कर रहा हूं ये श्लोक, इसमें बात कह दी गई, कहते हैं एक मात्रो भवे दृश्यो द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो व्यंजन चार्धमात्रिकम, वहां नहीं है उसमें पुस्तक में, ये मात्रा की बात नहीं है वहां, ये तो सामान्य बात है, पहले ये श्लोक लिखा हुआ है आप लोगों ने, लिख देते हैं चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आ गई है, हम तो विद्यार्थी को ऐसा गलत एस्टिमेट कर लेंगे फिर विद्यार्थी आगे गड़बड़ खा जाएगा, इसीलिए अभी यहाँ तो संज्ञा प्रकरण ही है, आगे तो
तीर कमान हथियार मजबूत करने हैं, आगे तो रूप सिद्धि चलने वाली है। एकमात्र एकमात्र भवे दृश्यो द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुलितो जयो व्यंजनश्चार्धमात्रिकम् व्यंजनश्चार्धमात्रिकम् व्यंजनः च अर्ध व्यंजन च अर्ध व्यंजन च अर्ध मात्रिकम् हो गई बात। ये एकमात्रो है, ये भवेद दृश्यो है, ये द्विमात्री है, ये दीर्घ है, ये उच्यते है, ये त्रिमात्रस्तु है, ये प्लुतो है, ये जेयो है, ये व्यंजनश्चार्ध मात्रिकम है। तो अब तो दिख गया होगा। चलो देखो इसमें व्यंजन में स्पष्ट होगी एक मात्रा है, और हर्ष में और दीर्घ में और प्लुत में तो हम देख के ही आए हैं। तो चलो अच्छा है, ऐसे ही क्लियर होते। लेकिन ये हम जो भी ये थोड़ा हास्य विनोद भले हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो फिर डाउट क्लियर हो जाए। इसमें कोई कभी कभी शर्माना ही नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये, क्योंकि फिर कब मौका मिलेगा, बड़ी मुश्किल से चीजें शुरू होती है। तो हाँ, हो जाना चाहिए, शर्माना नहीं है। किसी को भी इस तरह कोई भी प्रश्न हो तो ये मत सोचना कि ये तो आज हंसी-सी का माहौल बन गया है कुछ, वो तो अब बैठते हैं पढ़ते पढ़ाते हैं तो थोड़ा ऐसी मजाक हो जाती है। बाकी कभी शर्माना बिल्कुल नहीं है, पूछना है। संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है। तो हलवंतरा संयोगा सूत्र ने यही कहा कि जो अच का व्यवधान से रहित हो ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होती है, उनको संयोग। उसके कुछ उदाहरण ले लिए और ये सब आगे खूब आएंगे, क्योंकि कई सारे सूत्र ऐसे आएंगे वो संयोग को लेकर ही बात करेंगे कि यदि इसके पूर्व में संयोग हो तो ऐसा हो। इस तरह से सूत्र जो है आगे आते चले जाएंगे। अगले सूत्र को हम ले लेते हैं। ये सूत्र तो क्लियर ही हो गया, दो सूत्र हमने किए, परसन्निकर्ष संहिता, हलवंतरा संयोजा संज्ञा सूत्र है, सामान्य रूप से सभी को क्लियर है। अब हम अगला सूत्र ले लेते हैं। अच्छा, इसमें भी पद हमें देखने हैं। अब तो थोड़ा बहुत परिचय आपका भी हो गया होगा पदों के साथ में, तो आप चाहो तो कुछ बता सकते हो सुक्तिगंतम पदम के बारे में। आप थोड़ा पद पद का खाली कितने पद है इतना बता सकते हो। एक चीज मुझे क्लियर नहीं होती। हाँ बताइए। जैसे इसमें सुक्तिगंतम सुक्तिगंतम एक भी कर सकते हैं या इसको सुप और तिंगंतम अलग कर दें। इसमें क्या है ना, सुप और तिंग में तो हो गया समास, समास करके एक पद बना दिया। हाँ। ये तो है समस्त पद। अच्छा। ये तो है समस्त पद। अच्छा। तो और ये जो है सुप्तिगंतम पदम, ये इनमें समास नहीं किया, तो समास जो हो गया उस समस्त पद को तो एक पद में गिन लो तुम भले। अच्छा। चाहो तो उसको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। हाँ। और इस तरह से जैसे इसमें हम पद का निर्णय निकालेंगे तो एक पद ये निकाल लो इसमें, एक पद इसमें ये निकाल लो, इस तरह से निर्णय ले लेंगे। जैसे ये एक पद हो गया प्रथमायिक वचन का, ये एक पद हो गया प्रथमायिक वचन का, ठीक है। अब वो समास की दृष्टि से देखेंगे तो फिर उसमें समास कर सकते हैं, जैसे सुपचा तिंचा ऐसे समास करते हैं ना, सुपचा तिंचा, आप लोग जान जाओगे ऐसे बोलना है, क्यों बोलते हैं ऐसे, सुपचा तिंचा इस तरह से, सुपतिंगाऊ इस तरह। तो ये सूत्र से पता चल रहा है कि कुछ इसमें जो है सुप इस तरह से है, अगर तोड़ेंगे इसको तो, और ये तिंगंत है तिंग के लिए। तो वो कहना चाह रहे हैं, वृत्ति कह रही है सुबंतम तिंगंतम च पद संजम स्या, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें और कहने को है नहीं। वो कह रहे हैं कि कोई सुबंत हो या कोई तिंगंत हो, सुबंत या तिंगंत जो हो उनकी पद संज्ञा हो, सुबंत को और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। अब इसमें एक बात यह है देखने की कि सुबंत क्या है तिंगंत क्या है। तो सामान्य रूप से जो नाम और सर्वनाम इत्यादि होते हैं, चूंकि ये प्रसंग तो ये प्रकरण तो आगे आएगा, नाम और सर्वनाम इत्यादि जो होते हैं ये सुबंत होते हैं, और जो हमारे क्रियापद होते हैं वो तिंगंत होते हैं। सुबंत और तिंगंत के बारे में आपको ये बस ध्यान रखना है कि नाम और सर्वनाम आदि जो होते हैं वो सुबंत में आ जाते हैं और ये तिंगंत में आ जाते हैं।
अच्छा कौन सा समास कहा जाएगा? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, ये द्वंद्व जो होता है ना, द्वंद्व। खैर अभी आ ही रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। आज हमें एक महात्मा भी मिले थे और उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक में उन्होंने शब्दों की बात थी, इसीलिए इसी से प्रसंग से संबंधित है। तो शब्दों की बात में उन्होंने शब्दों को, किसी महात्मा की पुस्तक है, अच्छे महात्मा है, उनकी पुस्तक को पढ़ रहे थे। शब्दों के उन्होंने कई विभाग किए, तो उसमें दो विभाग उन्होंने जो किए, उस दो विभाग में उन्होंने एक तो क्या, उन्होंने ध्वनि रूप जो उच्चारित होता है और ध्वनि में उन्होंने विभाग कर दिए कि एक अंतर ध्वनि है, एक बाह्य ध्वनि है। तो अगर आप देखो तो हमारी तुल्यास्य प्रयत्न शरण की बाह्य प्रयत्न और अभ्य अभ्यंतर प्रयत्न से वो बात जुड़ गई। भाई अंदर जो वायु उठ रही है नाभि से, नाभि देश से, और वो अन्य अन्य स्थानों पर उठकर, अन्य अन्य स्थानों पर जाके जो घिस रही है, कंठ में, तालु में या कहीं, तभी तो वो उनके स्थान है ना। अक्कु विसर्जन्याम कंठ इत्यादि जो है वहां से घिस के, तो वो वहां पर भी कुछ हो ही रहा है ना अंदर। जब हम शब्द बोल रहे हैं, भले वो हमें पता नहीं चल रही है, लेकिन कोई ध्वनि तो कुछ ना कुछ तो अंदर हो रहा है। तो वह एक योगिक प्रोसेस है, योगी लोग उसको भी, आभ्यंतर को भी पहचान। नहीं तो एक बात तो बताओ, स्वयं पाणिनि जी को कैसे पता चलता है अपू विसर्जन नाम कंठ? पाणिनि ने कोई प्रयोग करके ही तो देखा होगा, इतने अंतर्मुख रहे होंगे पाणिनि जी कि उन्हें ये बात स्पष्ट हुई होगी कि आ का ये सब जो है अंतर ध्वनि इनकी यहां से हो रही है कंठ की। अब हमें तो क्या है, कोई बहुत सी बातें, और कंठ में तो स्थान में तो बाद में आ रही है, कंठ के स्थान तक तो वो बाद में, ये भी है, फिर भी एक अंदाजा लगा के हमें भी अनुभूत हो जाती है बहुत सी, लेकिन वायु तो उससे पहले ही शुरू हो गई और फिर उन्होंने उसको ठीक से पहचाना भी, तो वो उनको अनुभूत होती है योगी लोगों को, और भी गंभीर से। सामान्य रूप से तो हमें भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी और गंभीरता से। वो तो एक बहुत लंबा विषय था, लेकिन उस पुस्तक में भी दो पन्ने पर हमें बिल्कुल तुल्यास्य प्रयत्न ही याद आया वहां देखने से, उनको तो हमने कुछ नहीं बोला। तो ये हम जो लेके चल रहे थे, सुप्तिगंतम पदम, इनकी जो है पद संज्ञा होती है, इनको पद कह देते हैं, जो सुबंत हो और तिंगंत हो। आप लोगों को हमने शब्द के बारे में बताया था कुछ, चलो कोई भी बात रह भी जाती है तो बाद में कभी उठा देंगे। तो सुप्तिगंतम पद, आज ये तीन सूत्र हो गए आप लोगों के, तीनों सूत्र में संज्ञाएं की गई है, एक ने संहिता संज्ञा की है, एक ने संयोग संज्ञा और एक ने पद संज्ञा, तीन संज्ञाएं हमने आज सीख ली। तो इस तरह से ये इति संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया है और आगे इन सूत्रों के प्रयोग आएंगे खूब, तो इन्हें चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे तो अभ्यास करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हमें कोई सूत्र अभी क्लियर नहीं हुआ या कम क्लियर है, कोई विद्यार्थी शर्म के मारे पूछ नहीं पाता, तो ये हमने पाणिनि जी की ये जो पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराजाचार्य की है, या पाणिनि जी का जो व्याकरण है, इसमें हमने एक बात देखी है कि कई चीजें जब हम आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं तो पीछे की हमें स्पष्ट होती चली जाती है। तो धैर्य विकसित करना का ग्रंथ है ये, धैर्य इसमें रहना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हमने कहा था कि थोड़ा थोड़ा समास का परिचय या कुछ, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ पढ़ाएंगे समास का तो तब वो क्लियर नहीं होगा। हमने जी उसमें आपको कुछ पूछना लग रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना था, ये जो दो है परसन्निकर्ष संहिता और हलोतरा संयोग, इन दोनों में यही फर्क है ना, अंतर है कि संहिता जो है दो पदों के बीच में है और संयोग एक ही पद में। नहीं आप एक बात तो देखो कि संहिता तो ये पक्का है कि दो पदों के बीच में ही होगी, जिसको संधि कहते हैं। तो आचों के आवृत्ति पढ़ो, आवृत्ति पढ़ो एक बार, जो प्रश्न है ना आपका, उस प्रश्न से संबंधित सूत्र की आवृत्ति पढ़ो। देखो वर्णा नाम अतिशयित, आप खुद ही उत्तर देंगे मुझे इस बात का, अतिशयित क्या कह रही है वृत्ति, वर्णों की अतिशयित। तो वर्णों की बात हुई कि पदों की हुई? नहीं नहीं दो पदों के बीच में होगी तो वर्णों से ही, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, वो तो एक ही पद के अंदर भी तो हो सकते हैं। तो फिर संहिता और
संयोग में क्या मतलब? ये संधि के लिए संहिता कहा गया है। और संधि आप देखो तो दो पदों के में दो पद के जो वर्ण होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, एक प्लस के इधर होता है, एक प्लस के उधर होता है कि नहीं होता है? दो पद रखे होते हैं, उनमें भी तो खेल तो सारा संधि का वर्णों के बीच ही हो रहा है। हाँ, और वो जो संयोग है वो एक वर्ण एक उसमें, हाँ ठीक है, दो पदों के बीच में। अब ठीक है, अब ठीक है। और संयोग, संयोग तो वो पद के अंदर मिल जाता है, वो ठीक है, उस दृष्टिकोण से ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा समास की तरफ हम लोग बढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, संधि प्रकरण चलेगा अब तो। संधि प्रकरण में ये बात समझनी है कि पूरे व्याकरण शास्त्र में दो ही चीजें हैं जोड़ने के लिए, एक है संधि, दूसरा है समास। संधि वर्णों को जोड़ने का काम करती है, समास पदों को जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए समास की जो परिभाषा है वो क्या बनती है वो थोड़ी लिख देता हूं। समसनम या संक्षेप करणम को क्या कहते हैं? समास। ये पंक्ति तो एकदम क्लियर है, इसमें और कोई मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बात होगी कि जो आपको डराती होगी कि नहीं है। सम करने हैं, सम का मतलब वही जोड़ना जोड़ने की बात है, और समसनम समान उनको करना होता है। अच्छा, इसको और भी ढंग से इसकी परिभाषा होती है, उससे और अच्छे से वो क्लियर होती है। अनेकस्य पदस्य एक पदी भवनम, एक पदी, यहां लिख देते हैं इसको, एक पदी भवनम समास। तो ये परिभाषाएं तो बहुत सरल संस्कृत है, ये तो समझ में ही आ रही होगी। कहना चाह रहे हैं कि संक्षेप करने को भी समास कहते हैं, और अनेक पद हो उनका एक पद बनाने को भी समास कहते हैं। तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, और ये नोट कर लिया होगा तो एक और हम बात लिखेंगे। ये नोट करते जाना आप, क्योंकि हम भी ये सब चीजें कई कई जगह की संग्रह से बताते हैं, तो कभी आप लोगों को पढ़ाना पड़े समास तो दो चार पंक्ति तो बोलनी पड़ेगी कि नहीं। समास भी प्रकरण आगे है पूरा, वैसे यहाँ नहीं है। ये तो हम थोड़ा सा ऐसी जानकारी के लिए बता रहे हैं, एकदम से छोटा मोटा समास आता है जैसे सुप चा तिंग चा सुप तिंग तिंगंता हुआ, ऐसे जब बनाएंगे बोले ये कौन सा है जी, हम अचानक से बोल देंगे कि ये तो इतरेतर द्वंद है। अब आपके साथ आपका परिचय ही नहीं है इतरेतर द्वंद के साथ, तो कम से कम इतना परिचय रहे बस कि सूत्र को तोड़ने के जो बन रहा है सामान्य इस तरह से। अच्छा जी, तो इसका फिर फल क्या है ये लिख लिया ना, तो ये सब नोट करते जाना। इसका फल क्या है? तो इसके तीन फल बताए गए समास के। सामान्य तो वैसे पता चल ही गया एक पद और ये सब जोड़ने के लिए है, लेकिन उसको ठीक से और सजाने की दृष्टि से उसको तीन पद, उसको तीन फल उसके बताए गए। समासस्य फल की बात करें ना, त्रीणि फलानी समासस्य त्रीणि फलानी संति, समासस्य त्रीणि फलानी संति। महाराज जी, हमने त्रीणि जो लिखा, ये त्रीणि हमने यहां लिखा तो तीन के लिए क्या हमेशा त्रीणि ही लिखा जाता है? चलो कोई बात नहीं, वो जो तीन लिखा है ना, ये तीन स्त्रीलिंग तीन है, ठीक है, क्योंकि ये फलानी जो है नपुंसकलिंग, ये फलानी हमने नपुंसकलिंग बनाया ना, नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग, हाँ नपुंसकलिंग। तो हम जो रोज पढ़ते हैं ना, वो कौन सा श्लोक है इससे संबंधित है ना, मंगलाचरण में चलता है, मंगलाचरण में श्लोक चलता है ना, उसमें ये कहते हैं कि विशेषण की भी वही विभक्ति और वही पुरुष और वही वचन होता है जो विशेष का होता है। यद लिंगम यद वचनम याच विभक्तिर विशेषस्य तल्लिंगम तद वचनम स एव विभक्ति विशेषणस्यापि। ये है यद लिंगम यद वचनम
याच विभक्तिर विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम सैव विभक्तिर विशेषणस्यापि। ठीक है, सीधा सीधा है, कहीं के बाद में लिख के भेज देंगे आप लोगों को। तो समासस्य त्रीणि फलानि सन्ति, तीन फल हैं समास के। कौन कौन से हैं वो तीन फल? तो एक तो है एक पद सिद्धि, बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक पद सिद्धि ही। विभक्ति लोपः, इसमें विभक्ति का भी लोप हो जाता है। एक स्वर सिद्धिश्च, एक स्वर में हो जाते हैं, अलग अलग स्वर में होते हैं दो पद तो फिर वो एक ही स्वर में बोले जा सकते हैं क्योंकि वो जुड़ गए, फिर समास हो गया उनमें। विवाह में भी तो समास ही करते हैं, वो जोड़ी बांधते हैं, समास ही है वो भी, और क्या है, तो जिंदगी भर का समास हो जाता है वो। तो ये समास के फल हैं सामान्य रूप से। इसका एकाद उदाहरण ऐसी कोई ले लेते हैं कि भाई कैसे ये पद में संक्षेपकरण हो जाता है। यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे मतलब उदाहरण के लिए होता है। सीता, अब ये तो इससे तो सब परिचित ही है नाम से, इस सीताया उदाहरण ले रहे समाज को। दो पद है, एक सीतायाहा और एक पति ही। पद तो दो है, सीतायाहा और पति ही, लेकिन अगर हम इसमें समास कर देंगे तो क्या बन जाता है, सब जानते हैं क्या बनता है, सीतापति। एक पद बन जाता है ऐसे। ये विभक्ति कुछ और थी, ये विभक्ति कुछ और थी, दोनों विभक्ति का लोप करके एक पद बना दिया, विभक्ति लोप हो गया, एक पद बन गया, एक पद सिद्धि हो गई। एक ही स्वर में बोला जा सकता है, पहले सीता या किसी और स्वर में बोला जाता, पति ही किसी और स्वर में बोला जाता, लेकिन अब जो है एक पद सिद्धि भी हो गई, विभक्ति लोप भी हो गया और एक स्वर की भी सिद्धि हो गई। तो ये समास के फल आ गए इसमें निकल के। बस चार मिनट बची है, उसमें ये बता देता हूँ ये कितने प्रकार के होते हैं। ये उतार लिया हो तो मिटा देता हूँ, ज्यादा डाइजेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे पचे, ऐसा पचना जरूर चाहिए लेकिन, क्योंकि देखो धीरे से चलाने का यही है पाठ के लिए। आप लोगों को पूरे गंगा किनारा पड़ा है, आपके पास कोई पाठ वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ, क्योंकि ऐसी पवित्र पावन धरती पे पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ऐसे कई बार आवृत्ति करना नहीं है, उद्देश्य है जितना कर रहे हैं उसका पक्का बना जाए, बस यही है। ठीक है, अब जो समास है वो कितने हैं, स च पंच विदोह, ये इधर लिखा रह गया, उसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, तो उतार लिया होगा। मतलब वो पांच प्रकार का होता है। कौन सा पांच प्रकार का, चलो पेन बदल लेते हैं, मजा सा आता है देखने वालों को, फिर जो देखता है उनकी आंखों को सुंदर लगता है। एक समास, केवल समास, लेकिन आंखों के उनके बेचारे को सुंदर के चक्कर में ना, कल कह रहे थे ना हम कि केवल समास भी एक समास होता है, आप इसको केवल को वाला केवल मत समझना, इससे देखते हैं ज्यादा स्पष्ट होगा। हाँ ये ठीक है, दिख रहा होगा वैसे तो, ये केवल है अगर ना दिख रहा हो आप लोग को। दूसरा है ये ऊपर नीचे, हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ी जगह बन जाती है, अपने समझना कि ये इससे बड़ा समास होता है इसलिए ऊपर लिख दिया इस प्रकार का। अब देखो कल्पना तो व्यक्ति को कुछ भी कर सकता है ना, अब ये कल्पना कर बैठे कि इस समास में कोई विशेषता है तो इसीलिए
वैसे विशेष तो है भी। अब यही भाव समास, इसका कोई वे ही नहीं होता, फिर तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो ब्रह्म ही होता है। अच्छा तीसरा आज बताए ना हमने, तत्पुरुष तीसरा हो गया, चौथा बहुव्रीही, जो अक्सर बहुरी बोला जाता है मुंह से, जो हमेशा जल्दी में बहुरी निकलता है वो बहुव्रीही होता है, बहुव्रीही। और पांचवा हो गया, पांच है ना, पांचवा हो गया द्वंद, बहुव्रीही है हाँ, बहुव्रीही है, हम बाही होता है इसमें ना, देखो जैसे भी हो गया आज तो, आज तो गजब ही हो गया। ये पता कैसे हुआ गजब, कई लोग देखते हैं ना वहां पे वाह को बाई बोलते हैं, सुनी ऐसी कई जगह भारत में जहाँ वाह को वाह बोलते हैं, वो तो सुना पर बाघ बट्टी की जगह वो बाघ बट्टी बोल निकलता है उनके मुंह से, वो भी वही काम हो गया हमसे भी, लिख भी दिया हमने तो बोल भी दिया, वो तो आपने टोक दिया। बहुरी समास, बहुरी समास भी जल्दबाजी में बोल देते हैं। और एक है द्वंद्व, इसमें भी गलती ना हो जाए, द्वंद्व हुआ भी है इसमें। ये पांच समास हैं, केवल अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीही, द्वंद्व, ये पांच हैं समास। इनका सामान्य सामान्य सा परिचय देके जाएंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कराएंगे, एक एक दो दो समास को बता दिया, बाद के 20 मिनट लिया करेंगे, और उसकी एक्सरसाइज देंगे, मतलब साथ एक बार तो एक 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 की देंगे, फिर एक दिन कंबाइंड की दे देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जिसमें, तो उससे अच्छा टूटेगा, छोटे छोटे पद, ताकि छोटे छोटे पद आए तो उनका आप कर पाए। तत्पुरुष की दो बेटे हैं, दो तत्पुरुष की दो संतानें हैं, कौन कौन सी संतानें हैं, एक तो है तत्पुरुष की एक संतान है आपका कर्मधार्य, इसकी है ये तत्पुरुष की संतान है, और इसकी संतान कर्मधार्य की क्या है, देखो ये पोता है इसका समझो, बस यही पढ़ने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।